मकर संक्रांति और लोहड़ी, तो सबको मकर संक्रांति और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मैं बहुत सुबह सुबह उठ गई हूँ, अभी मैंने जस्ट कुकर चढ़ाया है, थोड़ी देर में आपको सीटी की आवाज। और पैरेलली वर्क रहता है तो थोड़ा बहुत नॉइस होता ही है, उसी के साथ नीट कोट का दूध बना कर मैं दे चुकी हूँ, मेरे लिए अभी मिल्क बन रहा है। और बस अभी आज का दिन कैसे निकलता है, क्या होता है वो मैं बताती हूँ आपको, कि हम लोग मकर संक्रांति को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली सेलिब्रेट का तो ज़्यादा नहीं रहता है, बट कुछ स्पेशल चीज़ें जो बनती हैं घर में वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उसी के साथ आज मेरी छुट्टी भी है, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट, कि ब्लॉग भी बन जाएगा। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट तो कर दिया है, अब देखते हैं पूरे पूरे दिन में क्या क्या होता है। बन चुका है, वो एक बार खाना खा के ही ऑफिस जा सकते हैं। उसके अलावा मैंने आटा रहने दिया है, तो मैं हम लोगों के बाद में बना दूंगी। तो चलिए अब फटाफट से वो हैं, जब तक मैं नहा लेती हूँ और उसके हम बाद देखते हैं क्या करना है। तो गाइज मैं नहा चुकी हूँ और गौरव भी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, और अब घर पे बचे हैं मैं, नीत, हमारी तन्हाई और घर का लॉट्स ऑफ काम। और काम तो करना ही पड़ेगा, बहुत सारा काम है। और कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप लोग कुछ अच्छे से प्लान करो कि आज हम ये करेंगे वो करेंगे, और कुछ भी नहीं हो पाता है, कुछ भी। मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसा। तो चलिए अभी पीछे का हाल भी आप देख ही रहे हो कि सब काम बाकी है, तो पहले एक बार मैं भगवान की दिया बत्ती करूँगी, नहा के निकली हूँ, तो उसके बाद ही अपना दूसरा काम स्टार्ट करूँगी। और ये देखिए नीत, तो आज जल्दी उठी हूँ, आपको मेरी आँखें देख के लग रहा होगा। सो सर्दियों में मौसम वेरिएशन होता है ना, तो मेरी आइज़ में भी थोड़ा सा स्वेलिंग टाइप रहता है। तो चलिए फटाफट से दिया बत्ती कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। दिया बत्ती भी हो चुका है और अब मैं बैठ के पाठ कर लेती हूँ। तो नीत खेल रहा है, तब तक फटाफट से मैं पाठ कर लेती हूँ, वरना दूसरे काम भी प्रभावित हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको भगवान का पाठ करने के बाद।
गाइस अभी बन रही है चाय और मैंने सोचा खाना बना हुआ नहीं है तो एक बार मैं चाय बना देती हूँ। और नीत को भी अभी उसका मिल्क बना के दिया है एक बार, वो दो बार तो लेता ही है सुबह 12 बजे से पहले पहले। सो उसी के साथ हमारे यहाँ मकर संक्रांति पे बनता है खीच, और खीच ना बेसिकली खीर जैसी ही होती है, बट यहाँ पर चावल की जगह पर ना गेहूँ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये देख लीजिए, मैंने रात को ओवरनाइट गेहूँ को भिगो दिए थे, और ये खीच के लिए स्पेशल गेहूँ होते हैं। जैसे जो नॉर्मल गेहूँ होते हैं उनको 4 दिन पहले ही पानी में भिगो के और फिर वापस सुखा के उनको अच्छे से कूट के उनकी जो ऊपर का छिलका होता है ना वो हटाया जाता है, और वापस फिर से उसको भिगो के वापस सुखा के उनको कूट के उनका छिलका हटाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो कम से कम 3 से 4 बार होता है। तो गेहूँ का जो लेयरिंग होती है ऊपर के छिलके की वो ऑलमोस्ट हट जाती है। तो आप देखिए कितना अलग तरह का दाना हो जाता है ये। तो बस इसी से हम लोग खीच बनाते हैं, और तो इसी से हम लोग खीच बनाते हैं और चरका और मीठा दोनों ही बनाते हैं हम लोग। तो बेसिकली हम लोग तो रेडीमेड लेकर आ गए हैं, तो इस तरह का जो खीच बनाने के लिए गेहूं होते हैं वो रेडीमेड पैकेट मिल जाता है। तो पहले छोटी थी मैं तब मम्मी भी बनाया करते थे, बट मम्मी भी अब रेडीमेड लाने लग गए क्योंकि वेकेशन वगैरह होती नहीं है, स्कूल जाना होता है मम्मी को, हम लोग को भी ऑफिस जाना होता है, तो हम लोग ऐसे ही पैकेट लेकर आ जाते हैं। घर में मैंने इन्हें डाल दिया है और अब मैं इसका ढक्कन लगा के उससे चढ़ा दूंगी गैस पर। मेरी चाय बन चुकी है और बस अब मैं कुछ काम करूंगी। आज पता है सब कुछ बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से दिन स्टार्ट हुआ है मेरा। मैं नहाई हूँ तो आज क्लोथ नहीं वॉश हुए हैं, खाना बनाया है, सब्जी बनाई है, तो हम लोग की रोटी बनाना बाकी है। दूध गर्म किया था तो थोड़ा सा उफान लिया, तो वो गंदगी क्लीन करनी है और बर्तन पड़े। और सबसे बड़ा चैलेंज आज क्या है पता है, आज सिंक ब्लॉक हो रहा है तो पानी बहुत स्लो जा रहा है, तो मतलब एक एक दो दो बर्तन करके क्लीन करने पड़ रहे हैं। अभी मैंने जस्ट दाल बना के कुकर क्लीन किया है और उसको खींच के लिए चढ़ाया है। सो उसी के साथ अभी चाय पी के जाऊंगी और फिर थोड़े से दो चार यूटेंसिल्स, तो कि सिंक भरा है तो भी फटाफट जाए, क्योंकि आई थिंक उसमें थोड़ा सा एसिड वगैरह डालना पड़ेगा, तो वो है नहीं, वो लेकर आएंगे गौरव शाम को और फिर उसका ऑपरेशन करेंगे। सो बस यही घर के कामों में बीच में आते हुए चैलेंजेस हैं। बस भगवान करे आज नींद परेशान नहीं करे, बाकी तो सब चीज़ आज उलट पुलट ही चल रही है। गाइस तो अभी बज रहे हैं 11:15 और नींद को ना इस बीच मैंने नहलाया धुलाया, खाना खिलाया, उसको सुलाया, अभी जस्ट वो सोया है, और उसके साथ बीच में थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह भी किया था मैंने, सो झाड़ू वगैरह निकाला है। सो बस अभी कुकर में सीटी तो आ चुकी है, गेहूं जो है वो अच्छे से सीख चुके हैं और मैंने नाश्ता भी कर लिया एक बार और फटाफट से खाना बनाया उसको नींद को पोएम्स में बिजी करके। तो बस अब मम्मी एक बार फ़ोन उठा लें तो आगे बताएं कि उसको क्या करना है। तो गाइस फाइनली मेरा जो चरका वाला खिचड़ा है वो रेडी हो चुका है और मीठा वाला बन रहा है, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर मैंने दूध को उबालने रख दिया था और उबलते हुए दूध में ही जो उबले हुए गेहूं हैं वो ऐड ऑन कर दिए थे, और इस तरह से इसे कम से कम आधा घंटा उबालना है और थोड़ा सा दूध गाढ़ा भी होगा तभी ये रेडी होगा। और यहाँ पर भी मैंने चरके जो मटर के पुलाव है गेहूं वाले वो बना दिए हैं, तो ये हमारा तैयार हो गया है चरका खिचड़ा और इधर हो गया है मीठा खिचड़ा। तो इसमें मैं एक कटोरी शक्कर तकरीबन डाल दूंगी, बट इसे कम से कम आधा घंटा सिझाना है दूध में। तो यहाँ पर आधा घंटा कंप्लीट हो चुका था और मैंने एक कटोरी शक्कर इसमें ऐड ऑन कर दी थी, और बस अब मैं इसे हिला दूंगी और 10 से 12 मिनट और रखूंगी और उसके बाद करूंगी इसको सर्व। तो यहाँ पर मैंने खीच भी कटोरी में सर्व कर दिया है और उसी के साथ प्लेट में चरका वाला खिचड़ा भी निकाल दिया है ताकि मैं इसे भगवान की भोग लगा सकूँ, और इसमें मैं तुलसी का पत्ता ऐड करूंगी। तो फाइनली खिचड़ा बन चुका है, मीठा भी और चरका भी। चरका तो बहुत ही फटाफट बन गया था, उसमें तो बहुत ही कम टाइम लगा था। तो आज हरी मिर्ची थी नहीं तो मैंने नहीं डाली, सिर्फ मटर प्याज ही डाल दिए थे, उसके अलावा भगवान की भोग लगा दिया है मैंने, तो भोग वगैरह लग जाए उसके बाद ही मैं टेस्ट करूँगी। सो नीत तो अभी सो रहा है तो वो उठेगा तब उसे टेस्ट कराऊंगी। और खिचड़े में ना ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दो तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है। सर्दियों का मौसम है तो कोई भी खाना घी के बिना तो अधूरा ही है, तो गरम गरम खिचड़े में मैंने डाल दिया है घी, तो उसी के साथ इसका स्वाद जो होता है वो बढ़ जाता है। तो चलिए फटाफट से मैं घी ऐड ऑन कर लेती हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने किचन वगैरह क्लीन कर दिया है, बर्तन वगैरह भी क्लीन कर दिए हैं, और मैंने खा लिया था कि नीत को भी खिला दिया था, वो भी उठ गया था। तो और उसका मैं रिव्यू दूँ तो अच्छा बना है, पर मम्मी जैसा टेस्टी नहीं बना है, बट अच्छा बना है।
कोई भी आ जाए तो उसको भेज दीजिए, खिला सकते हैं, मतलब इतना अच्छा बन गया है। सो मेरी मेहनत सफल रही। तो आप लोगों की मकर संक्रांति आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं आपकी स्टेट में? अपने इंडिया में ना बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ इस फेस्टिवल को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, तो आप लोगों के यहाँ पर कैसे मनाते हैं, क्या नाम है, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ छत पे और आप आवाज़ सुन रहे होंगे, अभी ढोल बज रहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ हर फेस्टिवल पे ढोल बजते हैं, गली गली में जाते हैं, घरों घरों में गेहूँ या मक्की या कोई भी जो भी देता है पैसे वगैरह वो लेते हैं। तो बस वही बज रहा है आज। तो अभी बज रहे हैं दिन के 3 और बस मैं और नीत यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं, थोड़ी सी कुछ पोइम्स देख रहे हैं, तो बस यही सब कुछ हम कर रहे थे। तो इसी तरह से हम दिन में आधे से 1 घंटा बिताते हैं। तो चलिए अब हो गया है हमारी चाय का टाइम और नींद के भी मिल्क का टाइम हो गया है, इसकी मिड जो मिल्क के लेता है अपना। तो चलिए मैं फटाफट से किचन में जाती हूँ, और जाने से पहले मैं शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे मोबाइल की ना बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो गई है, तो मैं इसे चार्ज पे लगाऊंगी। तो चलिए मैं अपना चाय चढ़ा देती हूँ, नींद का भी दूध बना के देती हूँ, तब तक मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा और फिर हम मिलते हैं। तो गाइस हम लोगों ने चाय वगैरह भी पी ली है और हमारा जो मिड स्नैक्स होता है वो भी हम खा चुके हैं। तो उसी के साथ मैं कुछ काम कर रही थी, मैं अपना प्लानर फिल कर रही थी कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है क्या नहीं करना है। और कुछ काम ना हमेशा सोचते हैं और रह जाते हैं करना, याद ही नहीं आता है जब हम फ्री होते हैं कि हमने क्या सोचा था। तो मैंने प्लानिंग करी है, इस बार जनवरी से प्लानर स्टार्ट किया है। तो मैं लिख लेती हूँ कि मुझे क्या काम करना है क्या नहीं करना है, ताकि मैं टाइम पे फ्री हूँ तो मुझे एक कॉल रहे दिमाग में कि हाँ मुझे ये काम पेंडिंग है और ये करना है। तो वही सब मैं कर रही थी अभी, और उसी के साथ मैंने लिस्ट बनाई है क्योंकि इस बार संडे से लॉकडाउन है, लाइक संडे संडे लॉकडाउन है, और हम लोग हमारा जो ग्रॉसरी है वो मोस्ट प्रोबेबली संडे को ही परचेज करते हैं। तो मैं अभी बहुत ज़रूरी ज़रूरी जो सामान है उसकी लिस्ट बना रही थी ताकि मैं गौरव को सेंड कर सकूँ, वो आज लेकर आ जाएंगे ताकि कुछ परेशानी नहीं हो। वैसे लिस्ट तो लंबी है बट मैं अभी सिर्फ ज़रूरी सामान का ही उनको बोल रही हूँ, अदरवाइज़ लिस्ट तो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है क्योंकि मैं चली गई थी 15 दिन से, उससे भी पहले 15 दिन पहले ग्रॉसरी आया था, तो ऑलमोस्ट सारा चीज़ें बाकी ही चल रही है। तो बस वही लिस्ट वगैरह बना रही थी, काम कर रही थी, कुछ वीडियो का सामान कलेक्ट करना था वही कलेक्ट कर रही थी। और खाना भी कंप्लीट हो चुका है, आज बहुत सारी वैरायटीज हो गई है, खिचड़ा हो गया है, चरका खिचड़ा हो गया है, फिर मैंने आलू चावल की खिचड़ी बना दी है, रोटी रखी है, दाल रखी है। तो रोटी और दाल ना एक जने के खाने जितनी तो ऑलरेडी रखी हुई थी, तो अब मैं एक जने के हिसाब से क्या सब्जी बनाती, तो फिर मैंने सोचा कि आलू चावल की खिचड़ी बना देती हूँ। वैसे भी लॉट्स ऑफ वैरायटीज हो रही है तो काफ़ी सारा कुछ हो जाएगा हमारा। तो गाइस अभी बज रहे हैं 7:30 और नीत के पापा तो आज बहुत सारा सामान लेकर आएंगे, तो मैंने सोचा कि मैं खाना खा लेती हूँ, नीत को मैं ऑलरेडी खाना खिला चुकी हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज सुबह से लेकर अभी तक की इतनी वैरायटीज हो गई है। तो यहाँ पर है मीठा खिचड़ा, चरका खिचड़ा, चावल का पुलाव और दाल रोटी, तो बस यही है आज के मेन्यू में। तो चलिए फटाफट से खाना खा लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो खाना खाने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में और अभी बज रहे हैं 8:30 और नीत के पापा आ चुके हैं, वो मिल्क वगैरह लेकर आए हैं, तो बस वही मैं खाली कर रही हूँ और फटाफट से दूध गर्म कर दूँगी। तो बस यही सब कुछ चल रहा है यहाँ पर काम। तो गाइज अभी बज रहे हैं 9:30 और मैंने किचन का सारा क्लोज कर दिया है, सामान वगैरह भी सेट कर दिया, दूध वगैरह जो भी बनाना था नीत का वो बना चुकी हूँ। तो अभी मैं करूँगी मेरी कुछ ब्लॉग्स एडिट, मेरा न्यू ईयर का ब्लॉग अभी भी पेंडिंग चल रहा है, तो मैं उसको बैठे बैठे एडिट करती हूँ। दिन में तो मोबाइल हाथ में लेती हूँ और नींद आ जाता है उठ के, उसको लगता है कि मैं पोएम्स चलाऊंगी तो कुछ भी नहीं हो पाता है, समटाइम्स बैटरी लो हो जाती है, समटाइम्स मैं दूसरे काम में बिजी होती हूँ। तो फाइनली दिस इज़ द राइट टाइम जब मैं अपना खुद का काम कर सकती हूँ 9 से 10 बजे, क्योंकि तब तक नींद भी सो चुका होता है और अगर जग भी रहा होता है तो उसके पापा होते हैं उसे संभालने के लिए।
तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और गिव अवे में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।